नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं डेविल ट्रिक्स चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो कोई टेक वीडियो नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लास्ट 3 मंथ मैं कहां था और 3 मंथ में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्या रीजन है वीडियो अपलोड ना करने का। तो कंप्लीट मैं आपको रीजन बताऊंगा इस वीडियो में कि क्यों मैं लास्ट 3 मंथ से वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट 3 मंथ में जो मैंने वीडियोस नहीं अपलोड की उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी की हेल्प से। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है, एक इमेजिनरी स्टोरी है और इसमें एक इमेजिनरी बॉय है, जैसे मैं कह लेता हूँ उसका नाम राघव है। और राघव की जो स्टोरी है यूट्यूब की वो मैं आपको बताऊंगा। ये स्टोरी कम्प्लीटली बेस्ड है लास्ट 3 मंथ में जो भी चीजें मेरे साथ हुई उन पे मैं ये स्टोरी मैंने बनाई है, तो जरूर से इस स्टोरी को आप कम्प्लीट सुनिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक प्राइमरी जो यूट्यूबर होता है, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और अभी प्राइमरी स्टेज पर होंगे या कुछ ऐसे क्रिएटर होंगे जो प्राइमरी स्टेज से अभी सेकेंडरी स्टेज की तरफ आ गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो जो सेकेंडरी स्टेज के भी लोग हैं या प्राइमरी स्टेज के जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जो प्राइमरी वाले थे सेकेंडरी में जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किए और जो प्राइमरी में है वो तो फेस कर ही रहे हैं, जैसे मैं भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूं। दोस्तों, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या थी जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये जो राघव नाम का लड़का है, क्या होता है इसके साथ में, जब ये अपनी वीडियो को शूट कर रहा होता है, कहने का मतलब जब रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब नीचे से राघव की मम्मी की आवाज आती है कि बेटा खाना खा लिया या नहीं, अब तो वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा या एडिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो राघव का टाइम है वो कुछ ज्यादा ही जाता था अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने में, अपनी वीडियो को शूट करने में। तो यहाँ पे ये सारी जो प्रॉब्लम थी ये राघव के सामने थी, क्योंकि वो एक प्राइमरी यूट्यूबर था, उसके सामने कोई इन्वायरमेंट नहीं था वीडियो को रिकॉर्ड करने का। खासकर दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये टेक यूट्यूबर्स के साथ में ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें एक कंप्लीट अच्छा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे वो वीडियो को शांति से बैठ के शूट कर सके और सब्सक्राइबर को अपने बता सके अपने टॉपिक की। पहली प्रॉब्लम अब मैं आपको बता दूं, दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर होता है रोड के साइड में और रोड के साइड में जब वो अपनी वीडियो को घर में बैठ के शूट कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और अगर कोई बाइक वाला भी अपनी बाइक लेकर निकल जाता है तो फिर वीडियो हमारी खराब हो जाती है, हमें फिर से एडिट करना पड़ता है उसे या फिर रीशूट करना पड़ता है हमें अपनी वीडियो को। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम जो है ये एक प्राइमरी यूट्यूबर जरूर से फेस करता है। अगर आप भी एक प्राइमरी यूट्यूबर हैं तो आप भी जरूर से इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिनकी वजह से मैं अपनी वीडियोस को नहीं। दोस्तों, क्या है ये मैं आपको बता दूं, जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं इस लास्ट 3 मंथ में इसी एनवायरनमेंट को बनाने में लग गए। दोस्तों, ये जो एनवायरनमेंट है ये मेरी फैमिली ने मुझे दिया, एक रूम कम्प्लीटली बिल्डअप कराया मैंने अपनी फैमिली की हेल्प से। दोस्तों, ये काफी मुश्किल काम था इसलिए ज्यादा टाइम लग गया इसमें, जिसकी वजह से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं है गैजेट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, गैजेट्स सारे थे अप्रोक्स, लेकिन दोस्तों मेरे पास एक एनवायरनमेंट नहीं था वीडियो को शूट करने का, जो कि एनवायरनमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं था शूट करने का। तो अभी ये एनवायरनमेंट मुझे मिल गया है और कंप्लीट ये रूम जो है, रूम का जो सेटअप है वो कम्प्लीटली बिल्डअप हो गया है, जिससे मैं अपनी वीडियो को एकदम बिना कोई डिस्टर्बेंस के मैं शूट कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, या बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पे कहते भी हैं, आपने बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी जहां पे आपको बताया जाता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो या ना हो। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है कंटेंट के साथ में तो क्या नुकसान है, क्या आपके सेहत को ये नुकसान करेगा? तो ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है आपके कंटेंट के साथ में तो ये सब्सक्राइबर को हमारे बहुत ही ज्यादा पसंद। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आपने एक वीडियो बनाई कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने जो उसमें टिप्स बताई, उस टिप्स को जो भी सब्सक्राइबर देख रहा है, मान लीजिए 1000 लोग देखे जिनमें से 500 लोगों को वो चीजें पता थी पहले से, तो उनके लिए वो कंटेंट उतना मायने नहीं रखता है, उनके लिए वो कंटेंट नॉर्मल सा कंटेंट हुआ, उनके लिए वो कंटेंट बेकार सा कंटेंट हुआ दोस्तों, क्योंकि वो कंटेंट उन्हें। बाकी दोस्तों, जिन लोगों को वो कंटेंट नहीं पता था, बाकी के जो 500 लोग थे जिनको नहीं पता था उसके बारे में, उनके लिए वो कंटेंट अच्छा है।
तो दोस्तों कंटेंट का अच्छा होना या ना होना ये डिपेंड इस चीज पे नहीं करता है कि आप कैसी वीडियो को बनाते हो। दोस्तों जो भी कंटेंट आप देते हैं उस कंटेंट की नॉलेज अगर है किसी के पास में तो उसके लिए वो चीजें उतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर उसके पास में वो नॉलेज नहीं है तो उसके लिए वो कंटेंट बेस्ट है। सराउंडिंग की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपका माइक अच्छा है, अगर आपका सारी चीजें जो भी आप वॉइस रिकॉर्डर यूज कर रहे हैं वो अच्छा है और आपका कैमरा भी अच्छा है तो वीडियो ऑब्वियसली आपकी अच्छी बनेगी। कंटेंट की बात अगर की जाए तो कंटेंट आप अच्छा देते भी होंगे, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे और वो अच्छा कंटेंट देते भी हैं, ऐसा नहीं है सब बुरा कंटेंट देते हैं। वीडियोस को अगर ध्यान से देखा जाए, सही से समझा जाए उस वीडियो को, तो वीडियो लोग अच्छा कंटेंट, बस जिसको पता है उसके लिए वो अच्छा नहीं होता है और जिसको नहीं पता है उसके लिए वो चीजें अच्छी होती है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई एनवायरमेंट की और कंटेंट क्वालिटी की, उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब चलिए, अगर मैंने इस वीडियो का टाइटल दे ही दिया है रूम सेटअप, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ रूम सेटअप के बारे में और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसा मेरा रूम सेटअप है, क्या क्या चीजें मैं अपने वीडियोस को बनाने में यूज करता हूँ। यहाँ पे जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ वो है रेडमी नोट 5 प्रो का फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल, और यहाँ पे जो माइक यूज कर रहा हूँ वो मैंने रिसेंटली अभी परचेज किया है 1000 का बोया बाई M1, जो कि जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में दोस्तों मेरे पास में एक लैपटॉप जो कि था मेरे पास में पहले से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये रात के 2 या 3 बजे आई थिंक मैं शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे लाइट क्वालिटी रात के 2 या 3 बजे इतनी ज्यादा अच्छी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लाइट है ये होम मेडेड लाइट है, मैंने अपने हाथों से इस लाइट को बनाया है और इसकी भी एक वीडियो मैं बना के जरूर से इस चैनल पे डालूंगा, जिससे आप लाइट वाइट में ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, आप इसी होममेड लाइट को आप बना सकते हैं अपने हाथों से और फिर इसके बाद में इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये काफी ज्यादा अच्छा है, एक्सपेंसिव भी नहीं है बहुत ज्यादा और ये अच्छा काम करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक ट्राईपॉड जो कि 800 समथिंग है, आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके उसे परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा कंप्लीट रूम सेटअप, आपको रूम सेटअप कैसा लगा कमेंट करके जरूर से मुझे बताइएगा और इस रूम सेटअप में कोई भी अगर आपको कमी नजर आ रही हो तो जरूर से आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस कमी को जरूर से पूरा करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए।